आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। हरजन शकीला भी अब्दुल वहीद देश पांडे जूनियर कॉलेज भुसावल आदि आज उर्दू मीडियम एवं कॉमर्स और साइंस इंग्लिश मीडियम में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को परसेंटेज के अनुसार हरजन जटनबी बापुनिया पटेल एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलेगी। बरकत कैटर्स व बाजी कैटर्स में स्वादिष्ट बिरयानी मिलने का एक मात्र ठिकाना, जिसमें शादी एवं पार्टी के ऑर्डर दिए जाते हैं, तो पता याद रखें गाजी कैटर्स स्कूल नंबर 3 के बाजू में व बरकत कैटर्स हीरा हॉल के सामने। भुसावल शहर में बीते दिनों वार्ड नंबर 17 के गौसिया नगर में नाली पर बने ढापे टूटने के कारण परिसर के नागरिकों एवं वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देख वार्ड नंबर 17 के भावी नगर सेवक वसीम शेख पत्रकार ने खुद के पैसों से ढापे का कार्य कर नागरिकों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसा आज परिसर के नागरिकों ने हमारे चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है। बीते कई दिनों से वार्ड नंबर 17 के वसीम शेख नागरिकों के हित में कार्य कर नागरिकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आपको बता दें कि वसीम शेख पत्रकार ने बीते दिनों मुस्लिम कब्रिस्तान से लेकर मदरसे तक मुरुम कच बिछाने का कार्य किया था। वह ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले परिसर के नागरिकों ने नाली पर बने ढापे की समस्या वसीम शेख को बताई, जिसको देख वसीम शेख ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस समस्या का वह जल्द से जल्द कोई समाधान करेंगे। आज उन्होंने उनके खुद के पैसों से इस ढापे को तैयार किया, जिससे यहां के नागरिकों और राहगीरों को आने जाने के लिए कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसको देख परिसर के नागरिकों ने वसीम शेख पत्रकार का आभार व्यक्त कर आने वाले चुनाव में उन्हें जीत दिलाने की बात भी कही है। आइए जानते हैं कि नागरिकों ने और वसीम शेख ने क्या कहा। और इस वक्त अभी हम मौजूद है भुसावल शहर के वार्ड क्रमांक 17 में गौसिया नगर। यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले जो है ये जिस ढापे पे हम खड़े हुए हैं, ये ढापा टूटने की वजह से यहाँ के नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त हमारे साथ में स्थानीय नागरिक मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये काम कौन करवा रहा है और पिछले वक्त में उनको क्या क्या समस्याएं थी। चेचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है शेख इसाक शेख रसूल बागवान। आप यहाँ पर जो है कब से रह रहे हैं? 30-35 साल से। ये जो समस्या थी आपको इस ढापे की, जो है कब से समस्या थी और क्या साल से हमको कोई आ नहीं रहा था, मेंबर भी नहीं कोई आ रहा था, कोई नहीं। वसीम पत्रकार ने आकर ये उसके पैसों से खुद बनाया। आने वाला समय जो है चुनाव का समय है, और जैसा हमको पता चला है बीके टाइम न्यूज लाइव को, वसीम पत्रकार इस वार्ड से जो है चुनाव के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे छोटे मोटे काम वसीम पत्रकार आपके वार्ड में कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है। वसीम पत्रकार को हम अच्छा दोस्त समझते हैं और अच्छा भाई समझते हैं, और आने वाले वक्त में उनको लाएंगे इंशाल्लाह। भाई आप भी जो है यहाँ पर ही रहते हैं, इसी सामने आपकी दुकान भी है, चक्की की दुकान है, ये समस्या कब से थी आपको? भैया 7-8 साल से बहुत तकलीफ हो रही थी हमारे को कि हमारा चक्की का कारोबार है, यहीं पर आने जाने लोग पिसाने लेके एक दो बार गिर भी गए। बहुत दिनों से हमने बोले भी पर केले एक्शन लिया नहीं। वसीम पत्रकार के कान पर मैंने एक दो बार डाला, भैया आके उसके पैसे लगा के पूरा क्लियर करा उसको, और आज एक चीज़ हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब आगे के समय के लिए जो भी हम वसीम पत्रकार के कान पर बात डालेंगे, वसीम पत्रकार हमारा आगे का भी। ये समस्या के लिए आपने वसीम पत्रकार को जो है कितने समय पहले जानकारी दी थी? ये सिर्फ 8 दिन हो गए बात कर रहे हो। इसका काम जो है कब स्टार्ट किया? इसका काम स्टार्ट होगा 8 दिन, मैंने बोला 2 दिन के बाद में काम स्टार्ट होगा, अभी 4-5 दिन हो गए सुबह को। आने वाला समय जो है चुनाव का समय, उसके अंदर जो वसीम पत्रकार आपके वार्ड से खड़े रहने वाले? जी हम तो उसको समझिए भाई, उसको वोट देंगे भाई को, और भाई को लाएंगे जिताएंगे कि जो हमारे काम आएगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। इस समस्या के लिए आपने जो है स्थानीय जो नगर सेवक थे उनसे कही थी क्या बात? नगर सेवक के कान पे बात भी डाली हमने, आए देख के गए, हाँ ठीक है देखते करते निकल दो, 8 दिन पर कनेक्शन लिया ली। बीच में भी इधर मैयत हो चुकी थी, 15 दिन पहले मैयत के लोग इसके अंदर 2 जन गिर गए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। बीच में एक लेडीज आ रही थी, रात में लेट चलेगी तो उसको बच्चे लेके गिर गए। अब तकलीफ जिसको हो रही हुई देख रहा है, बाकी दूसरे आ रहे बोल के चल जा रहे, आज करते कल करते, पर केले एक्शन किया नहीं। हमने वसीम भाई के काल पे डाले, वसीम भाई पत्रकार ने 2 दिन में इसका तुरंत एक्शन किया, 500 पैसे लगा के इसको बनवा डाले, अब कोई टेंशन नहीं। भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप भी यहाँ पर रह? भाई मैं इधर कम से कम मेरे को 15 साल हो चुके हैं रहने के लिए, ये ढापा में 8 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग मेंबर बनते हैं, 4 वार्ड के एक मेंबर बने थे, तो चारों मेंबर में से एक भी मेंबर हमारे इधर कोई आया नहीं, गली में झाँक के ही देखा नहीं। और ये जो ढापा है, अभी 8 दिन पहले हमने वसीम भाई से बात की, जैसे शकील भाई ने बोले तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले मैं अपने पैसे से बनवा के देता हूँ। उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ये काम करवा के दे दिया, और इसको 4 दिन हो चुके। इस तरीके की हमारे को तकलीफ हो रही थी यहाँ से कि हम लोग अपनी 4 व्हीलर नहीं लेके जा सकते, 2 व्हीलर नहीं लेके जा सकते। 2-3 बार मैं खुद 2 व्हीलर लेके गिरने वाला था यहाँ पे, लेकिन तो स्थानीय लोग जो है हमारे जो गली के अच्छे लोग हैं, उन्होंने बचा लिए मुझे, तो मैं खुद गिरने वाला था। और वसीम भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ढापे का काम, हमारे जो भी गली के जो भी काम रहते हैं, जैसे मेरे खुद के पर्सनल काम, शकील भाई का काम, इनका काम, जो भी काम रहते हैं उसके अंदर भी हमारे बढ़ चढ़ के मदद लेते हैं वो, और आगे चल के हम उन्हीं को वोट देंगे।
देख रहे बीके टाइम न्यूज़ लाइव। दोस्तों इस वक्त अभी हम मौजूद थे वार्ड क्रमांक 17 के अंदर, जहां पर हमने आपको बताया कि जो है नागरिकों को किस समस्याओं को लेकर जो है वसीम पत्रकार ने वहां पर ढापों का काम शुरू किया। अभी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है वसीम पत्रकार। वसीम पत्रकार जी, आप जो है वहां पर जो हम गए थे अभी वार्ड क्रमांक 17 में, वहां के नागरिकों ने बताया कि उनको जो है ढापे की काफ़ी समस्या थी और वो काम आपने किया। हम जानना चाह रहे हैं कि आपने काम किया है। जी हमने काम किया। वो हम सब दोस्त लोगों ने मिलकर गया, अभी थे, अभी था, मैं था, इन लोगों का, मेरे दोस्त लोगों का मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कि ढापे की बहुत तकलीफ़ है और आज से नहीं कई पाँच छः सालों से तकलीफ़ है, यहाँ हमारे कोई मेंबर आता नहीं, कोई झाँकता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा क्या करना है, तो बोले ढाबा बनाने का है। तो मैंने कहा ऐसा बनाने का है, तो अपन सब मिल के बनाएंगे। तो कुछ पैसे मैंने दिया, कुछ उन्होंने डाले और हमने ढाबे का काम किया। आपको जो है इस ढाबे के बारे में कब पता चला था? ये 8 दिन पहले पता चला हमारे को। और आपने जो है उसका काम कब से स्टार्ट? ये 2-3 दिन में स्टार्ट किया काम और फाइनल हो गया काम। आने वाला जो समय है, जैसा हमने वहाँ के नागरिकों से पूछा कि आने वाला समय चुनाव का समय है, आप वहाँ पर छोटे मोटे काम कर रहे हैं, नागरिकों को इच्छा है कि वो आपको चुनकर लाए, तो आप अगला काम क्या करने वाले हैं? जो भी समस्या रहेंगी वहाँ की उसकी पूरी करेंगे, सब लोगों को दूर करेंगे उसको। अभी ऐसी कुछ समस्याएं वहाँ पर आपको नजर आती है कि जो नागरिकों ने आपने बताया? नागरिकों ने जब अभी बताया नहीं, अगर बताएंगे तो इंशाल्लाह उसको भी पूरी करके देंगे। ये थे हमारे साथ में वसीम शेख, जो वार्ड क्रमांक 17 के जो है इच्छुक उम्मीदवार है और भावी नगर सेवक भी। नागरिकों की इच्छा है कि इस बार जो है वसीम पत्रकार जो है वार्ड क्रमांक 17 के लिए जो है उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करें और नगर सेवक के रूप में चुने। कैमरामैन मोहित शेख के साथ मैं सिद्धार्थ मिश्रा, वीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।